भारत माता की, भारत माता की। चिन्नादा नाडू, कोलारदा जनते के नन्ना नमस्कार करो। भाइयों और बहनों, आज इतनी बड़ी संख्या में, और मैं देख रहा हूं पेंडोल के बाहर इससे भी डबल लोग खड़े हैं, इतनी बड़ी संख्या में आपका यहां आना आज कांग्रेस और जेडीएस दोनों की नींद उड़ाने वाला है। कर्नाटक के विकास में ये दोनों पार्टियां ही सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा अवरोध है। कांग्रेस और जेडीएस मिलकर चाहे जितना खेल लें, लेकिन कर्नाटक की जनता उन्हें क्लीन बोल करने जा रही है। कर्नाटक के लोगों ने तय कर दिया है, बड़े विश्वास से तय कर दिया है, अनुभव के आधार पर तय कर दिया है, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। कर्नाटक का ये चुनाव सिर्फ आने वाले 5 वर्षों के लिए एमएलए, मंत्री या सीएम बनाने का सिर्फ नहीं है, ये चुनाव आने वाले 25 सालों में विकसित भारत के रोडमैप की नींव को सशक्त करने का है। अस्थिर सरकार इस तरह के बड़े विजन पर कभी काम नहीं कर सकती। अस्थिर सरकारों का कितना नुकसान होता है ये आपने देखा है। अस्थिर सरकारों की पहचान है जनता के हित वाले निर्णय में देरी करना और भ्रष्टाचार में उतनी ही तेजी करना। हमें कर्नाटक को अस्थिर सरकार से बचाना है, हमें कर्नाटक को कांग्रेस और जेडीएस के भ्रष्टाचारी शिकंजे से बचाना है। आपने देखा है, आपने केंद्र में अनेकों दशकों बाद एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाई तो क्या परिणाम आया? केंद्र की बीजेपी सरकार ने ऐसे ऐसे बड़े काम किए जो कई दशकों से पेंडिंग थे। 2014 से पहले के करप्शन काल में कांग्रेस सरकार के कालखंड में दुनिया भारत से सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। बीजेपी को दिए आपके एक वोट ने सारी स्थिति बदल दी। आज भारत की प्रतिष्ठा बुलंदी पर है, अर्थव्यवस्था की गति तेज है और दुनिया भारत को ब्राइट स्पॉट बता रही है। भारत ने जिस मजबूती से
कोरोना का मुकाबला किया है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाकर अपना सामर्थ्य दिखा दिया है और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिया है। भाइयों और बहनों, बीजेपी का संकल्प कर्नाटका को भारत का नंबर वन राज्य बनाने का है, इसलिए कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार जरूरी है। जितने दिन यहां बेंगलुरु में कांग्रेस जेडीएस का गठबंधन रहा, कर्नाटका के विकास पर भी ब्रेक लग गया। जब कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार बनी तब यहां के विकास ने नई गति पकड़ी। साथियों, जैसे आपने केंद्र में तेज गति वाला इंजन लगा रखा है तो कर्नाटका में भी वैसा ही इंजन बने रहना जरूरी है। कांग्रेस का कमजोर और आउटडेटेड इंजन कभी कर्नाटका का विकास नहीं कर सकता। डबल इंजन सरकार आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए जो काम कर रही है वह इस पूरे क्षेत्र में नई संभावनाएं बनाएगा। बंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे जो यहां के किसानों और इंडस्ट्री दोनों के लिए नए अवसर बनाएगा, उस पर तेजी से काम चल रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियां कोलार जैसे जिलों में भी आए, यहां इंडस्ट्री का विस्तार हो, ये भी हमारा प्रयास है। अच्छी कनेक्टिविटी से कितना लाभ होता है इसका एक उदाहरण फेमस मूलबागल डोसा भी है। अच्छी कनेक्टिविटी ने इस डोसे का स्वाद दूर दूर तक पहुंचा दिया है। आजकल कांग्रेस ने फिर अपनी झूठी गारंटी का बंडल निकाल लिया है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कभी अपनी कोई गारंटी पूरी नहीं करती। 2005 में कांग्रेस ने देश के लोगों को गारंटी दी थी कि वो साल 2009 तक हर घर तक बिजली पहुंचा देगी। कांग्रेस ने 2014 तक शासन किया, उनके पास अपनी दी हुई गारंटी को पूरा करने के लिए करीब एक दशक का समय था, 10 साल थे। 2014 में जब हमने सरकार बनाई तो हम दंग रह गए, हर घर तक को बिजली छोड़िए, कांग्रेस ने हर गांव तक भी बिजली नहीं पहुंचाई थी। देश में दूर दराज के गरीब और पिछड़े इलाकों के 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। देश में 2.5 करोड़ से ज्यादा घर भी बिना बिजली के अंधेरे में थे।
बीजेपी सरकार ने प्रण लिया और हमने सिर्फ 1000 दिन में 18000 गांवों तक और 2.5 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंचाकर दिखाई। गारंटी दी कांग्रेस ने, धोखा दिया कांग्रेस ने और काम पूरा किया भाजपा ने। काम पूरा किया। जब कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कुछ लिखती है तो वो किसी संकल्प से कम नहीं होता है। जनता जनार्दन को दिया हुआ वादा होता है, उसमें धोखा करना बहुत बड़ा पाप होता है। साथियों, ये किसानों का क्षेत्र है। मैं आपको एक और गारंटी के बारे में बताना चाहता हूं जो कांग्रेस ने किसानों को दी थी और वो भी 2004 में। आज से करीब करीब 20 साल पहले अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों से वादा किया था कि वो किसानों के लिए डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम लागू करेगी। किसानों ने उन्हें वोट दिया, लेकिन वोट पाने के बाद कांग्रेस ने हाथ ऊपर कर लिए। 2009 में उनके मैनिफेस्टो में फिर से वही वादा किया गया। उन्हें ये वादा पूरा करने के लिए 5 और 5, 10 साल मिल गए। 2014 का चुनाव आ गया, लेकिन उन्होंने अपनी गारंटी को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। ये बीजेपी की सरकार है जिसने पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना लागू की। हमारी सरकार अब तक किसानों के बैंक खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपया, याद रहेगा दोस्तों, 2.5 लाख करोड़ रुपया। कितना, जरा जोर से बोलिए, कितना? 2.5 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर कर चुकी है। गारंटी दी कांग्रेस ने, धोखा दिया कांग्रेस ने, लेकिन काम पूरा किया बीजेपी ने। स्नेहित्रे, कांग्रेस सरकार ने कभी भी किसानों की परवाह नहीं की, लेकिन बीजेपी सरकार बीज से बाजार तक किसानों के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के जो पैसे भेजती है उसमें यहां की बीजेपी सरकार 4000 रुपये और जोड़ देती है। इससे कर्नाटका के लाखों किसान परिवारों के बैंक अकाउंट में 18000 करोड़ रुपये पहुंचे हैं। इसके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज, फूड पार्क और मेगा टेक्सटाइल पार्क का जो विस्तार हो रहा है वो भी कर्नाटका के किसानों की बहुत मदद करने वाला है। कांग्रेस और उसके शाही परिवार से देश का विश्वास क्यों टूटा है, इसका भी एक कारण है। कांग्रेस की पहचान हमेशा से 85% कमीशन खाने की रही है।
कांग्रेस के शासन में उसके सबसे बड़े नेता, कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री गर्व से कहते थे कि वो दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं और जमीन पर 15 पैसा पहुंचता है। गरीब के हक का 85 पैसा कांग्रेस का पंजा छीन लेता था। ये बीजेपी का आरोप नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस ने जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया उनका सार्वजनिक कबूलनामा है। 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कभी कर्नाटका का विकास नहीं कर सकती। आज दिल्ली से बीजेपी की केंद्र सरकार जितना पैसा भेजती है वो हर लाभार्थी तक 100% पहुंचता है, 100% पहुंचता है। पिछले 9 वर्षों में हमने डिजिटल इंडिया की ताकत से अलग अलग योजनाओं के 29 लाख करोड़ रुपए गरीबों के बैंक खातों में सीधे भेजे हैं। अगर 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस ही बनी रही, इसमें से 24 लाख करोड़ रुपये कभी गरीब तक नहीं पहुंच पाते। वो आप सोचिए, हमारी सरकार तो 9 साल पहले आई है, उससे पहले कितने लाखों करोड़ रुपये कांग्रेस नेताओं ने अपनी तिजोरी में भरे हैं। कांग्रेस ने गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ, महिलाओं के साथ हमेशा अन्याय किया है, लेकिन आज मैं कर्नाटका की जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि उसके एक वोट ने सारी स्थितियां बदलनी शुरू कर दी। आपने अपने एक वोट से वंचितों के खिलाफ अन्याय को दूर किया। आपके एक वोट से पहली बार लाखों एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को पक्का घर मिला। आपके एक वोट से पहली बार 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को टॉयलेट की सुविधा मिली। आपके एक वोट से पहली बार 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला। आपके एक वोट से पहली बार 2.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन मिला। आपके एक वोट से कोरोना के संकट काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित कराया। बीजेपी तुष्टिकरण के बजाय सत्तुष्टिकरण पर फोकस करती है। बीजेपी सरकार के लाभार्थियों का प्रचंड विश्वास शाही परिवार के हर झूठी गारंटी पर भारी पड़ने वाला है। कांग्रेस भ्रष्टाचार में ही फलती फूलती है, इसलिए वो कभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई कर ही नहीं सकते। कांग्रेस ऐसी कोई योजना बना ही नहीं सकती जिसमें घोटाले ना हो। आज भी कांग्रेस के शाही परिवार, उसके करीबी लोग हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर बाहर है। आप सोचिए, जो लोग करप्शन के आरोप में स्वयं जमानत पर बाहर है, वो आज कर्नाटक में आप करके उपदेश दे रहे हैं, जिसके शीर्ष नेता ही भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरे हो, जिस शाही परिवार के सदस्य जमानत पर बाहर हो, वो कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकती। मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा, 2014 से पहले के 9 वर्षों में कांग्रेस सरकार के दौरान
भ्रष्टाचारियों के सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी, जबकि बीते 9 वर्षों में देश को लूटने वालों की 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बीजेपी सरकार जब्त कर चुकी है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबसे तेज प्रहार बीजेपी ही कर सकती है। आज जब मैं करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं तो सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को हो रही है, और इसलिए कांग्रेस की दिनों दिन मुझसे नफरत भी और बढ़ गई है। उन्होंने मुझ पर हमला और बढ़ा दिया है। ये लोग आजकल धमकी दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब कर्नाटका का चुनाव में इनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है, सांप, सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है, और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है, शिव का ही स्वरूप है। इसलिए ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं जानता हूं संतों और संस्कारों की धरती कर्नाटका के लोग कांग्रेस के इस गाली गलौज का चोट धरा जवाब वोट के माध्यम से देकर के उनके इन सारे मंसूबों को चूर चूर कर देंगे। ये नाराजगी, ये जनता जनार्दन का गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ 10 मई को पोलिंग बूथ पर बढ़ चढ़ करके निकलने वाला है। आपको याद रखना है, ई बारिया निर्धारा बहुमत दा बीजेपी सरकारा। ये बात घर घर पहुंचाओगे, घर घर जाओगे, मतदाताओं को मिलोगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे, दिन रात मेहनत करोगे। हाथ ऊपर करके बताइए, पक्का करोगे? सबके सब लोग करोगे? अच्छा, एक मेरा काम करोगे क्या? एक मेरा काम करोगे क्या? पर्सनल काम है मेरा, करोगे? हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? सब कोई करेंगे, पक्का करेंगे? देखिए, काम करना है और मेरे लिए करना है, मोदी के लिए करना है, करोगे ना? पक्का करोगे? देखिए, आप घर घर जाइए, हर मतदाता के पास जाइए और उनको हाथ जोड़ करके बताइए कि दिल्ली से प्रधान सेवक मोदी कोलार आए थे और मोदी ने आपको प्रणाम भेजा है, नमस्कार भेजा है, मोदी आपका आशीर्वाद मांगते हैं, ये बताओगे? हर घर मेरा नमस्कार पहुंचाओगे?
हर घर मेरा प्रणाम पहुंचाओगे, हर व्यक्ति से मेरे लिए आशीर्वाद लाओगे, ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे देश के लिए काम करने की एक ऊर्जा देता है, आत्मविश्वास देता है, शक्ति देता है। और इसलिए मुझे कर्नाटका के हर भाई बहन का आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं कर्नाटका की सेवा कर सकूं, देश की सेवा कर सकूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।